show that eliminating x and y from the equations sin x plus sin y equal to a, cos x plus cos y equal to b and tan x plus tan y equal to c, ये तीनों इक्वेशन से अगर हम x y एलिमिनेट करेंगे तो ये मिलेगा, ये प्रूव करना है. गिव्स दिस 8ab by a square plus b square का होल स्क्वायर माइनस 4a square equal to c, ये आना चाहिए. तो देखो जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको लिखते हैं. इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू ए है, और दूसरा इक्वेशन है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू बी. तो ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करते हैं एंड ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करते हैं और ऐड करते हैं. देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस टू साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू होगा ए स्क्वायर. ठीक, सेकेंड वाला इक्वेशन को भी अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस टू कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल टू बी स्क्वायर होगा. अब दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही वन होगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई वन होगा, ये टू साइन एक्स साइन वाई टू कॉस एक्स कॉस वाई टू कॉमन लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से ये जो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई है ये फार्मूला होता है कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये जो वन प्लस वन टू है ना, ये माइनस टू जाएगा, उसके बाद फिर ये टू इंटू में है, ये टू डिवाइड में आ जाएगा. ठीक, इसको इक्वेशन वन मान लेता है ऐसा कुछ. तो कॉस एक्स माइनस वाई मिल गया. इसके बाद दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू ए बाई बी है. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स प्लस साइन वाई में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू होगा, और डिवाइड में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, तो हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, दिस इक्वल टू हो जाएगा ए बाई बी. ठीक है, तो देखो कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस वाई कट गया, टू और टू कट गया, तो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू बाई कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये क्या आ गया, ये आ गया टेन एक्स प्लस वाई बाई टू एंड दिस इक्वल टू आ गया ए बाई बी. अब देखो टेन एक्स प्लस वाई बाई टू आ गया तो यहाँ से हम लोग कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड कर सकते हैं. कैसे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू. ये कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है ना, उसी से लिखे हैं. तो वन माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. तो देखो यहाँ से कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया, कितना आ गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया. अब देखो कॉस एक्स प्लस वाई मिल गया तो हम साइन एक्स प्लस वाई भी फाइंड कर सकते हैं. तो देखो साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा टू टेन एक्स प्लस वाई बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ये होता है. तो टू ऑफ ए बाई बी बाई वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक जो बी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए बी. यहाँ से साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया. अब देखो जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन वो क्या है, टेन एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू सी है ना, इसको लिखते हैं. जो थर्ड इक्वेशन है वो है टेन एक्स प्लस
टैन वाई इक्वल टू सी, तो टैन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, तो ये होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई बाई कॉस वाई इक्वल टू सी, ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब एलसीएम लेंगे, तो कॉस एक्स कॉस वाई ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू सी, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, और टू से इंटू करेंगे तो नीचे हो जाएगा टू कॉस एक्स कॉस वाई और इक्वल टू सी है, ठीक है। तो अब देखो ये इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर में टू साइन एक्स प्लस वाई को वैसे ही रहने देंगे, और नीचे हम जो कॉस एक्स कॉस वाई है ना, टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो ये होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई और इक्वल टू सी है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिला हुआ है कितना, टू ए बी बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, और टू इंटू टू तो ये वाला है, साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू टू ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू, कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब कॉस एक्स माइनस वाई का वैल्यू, तो कॉस एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई टू ऐसे, तो यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई टू। अब ये आ गया इक्वल टू सी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देख तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है, तो इसका देखो ये टू टू फोर ए बी ऊपर हो जाएगा, फोर ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा टू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा टू बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, और ये इससे इंटू हो जाएगा, ठीक। जब इससे इंटू होगा तो क्या क्या होगा, देखो एक तो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और इक्वल टू में सी है। अब देखो ये जो डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा ना, और जो टू बचा वो टू ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा एट ए बी, ओके। डिवाइड में कितना होगा देखो, ये जो टू बी स्क्वायर और माइनस टू बी स्क्वायर कट जाएगा, और अच्छा यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाला, और माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सी, आ गया ये वाला ना, इसमें थीटा नहीं है, एक्स नहीं एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई एलिमिनेट हो गया, तो ये एक रिलेशन आया। अब देखो क्या लाना था, क्या प्रूफ करना था, तो प्रूफ करना था एट ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू सी, और क्या आ गया देखो एट ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया ना, तो यही हो गया प्रूफ, ओके।